हेलो फ्रेंड्स, मैं सुल्ताना। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी टेस्ट में। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की चटनी। मैंने 250 ग्राम आम लिया है। चलिए इसे काट के छिलका निकाल के तैयार कर लेते हैं। आम को काट के तैयार कर लिया है। चलते हैं मसाले की ओर। इसके लिए लिया है 1 बड़ी चम्मच सरसों के तेल, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच खड़ा जीरा, 1/3 चम्मच 5 फोड़न, 2 सूखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधी कप शक्कर और कटा हुआ आम। गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें बैठा देंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई गरम होते ही उसमें डाल देंगे तेल। तेल गरम होते ही उसमें डाल देंगे सूखा मिर्च। अब इसमें डालेंगे 5 फोड़न, जीरा। अब इसको चलाते ही रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ आम। अब इसको मसाले के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिला देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे आधी कटोरी पानी बॉईल होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे ताकि आम जल्दी बॉईल हो जाए। बीच में एक बार पलट देंगे। अब इसमें डाल देंगे शक्कर। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आम हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसे मैश कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए, चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए सर्व करते हैं। अगर
अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।